नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार न्यूज में और मैं हूं आपकी होस्ट टिया चौधरी। हम आ पहुंचे हैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन। एक 72 इयर्स वृद्धा महिला को किस तरीके से मकान मालिक परेशान कर रहा है, आइए हम बात करने जा रहे हैं एडवोकेट लीला रंगा से और दीपक सारस्वत जी से। मैं इस मैटर में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं एक सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ और इस नमस्कार न्यूज़ चैनल से भी जुड़ी हुई हूँ, तो जहाँ पे भी ऐसा कुछ अन्याय होता है तो मुझे ये लोग कांटेक्ट करते हैं एंड वो एक सामाजिक संस्था की तरह से ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी। नाउ व्हाट हैपेंड कि शी इज़ अ ओल्ड लेडी। अब इस बुजुर्ग महिला के एक तो उसने रेंट पे रूम लिया था, वो अभी ऊपर नहीं चढ़ सकती, इसलिए उसने चेंज कर लिया और ग्राउंड फ्लोर में एक रूम ले लिया। अब उस ग्राउंड फ्लोर में रूम लेने के बाद अपना जो डिपॉजिट उसका मकान मालिक के पास बकाया बाकी रह गया वो लेने के लिए अगर वो जाती है तो बोले माजी आप मत जाओ, आप बहुत बूढ़े हो, आप नहीं चढ़ सकते हो, ना आ सकते हो, मैं आ जाऊँगा, नहीं तो अपनी बेटी को भेजो। तो इसने बोला ठीक है, एक बार अपनी बेटी को भेजा तो उसने ये बोला कि नहीं दिन के समय नहीं आना, तुम रात को आया करो। तो वो बोल रही है कि मैं रात को क्यों आऊँ, बोला नहीं तो समझा कर मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना तू रात को आना। तो ये डर गई, ये गई नहीं, फिर इसने सोचा फाइनली अब मुझे तो मेरे पैसे लेने हैं। तो ये एक दिन शाम को गई 7:30 बजे, तो उसको रोक लिया, बोला अभी इधर बैठ, ये कर, उसको थोड़ा टॉर्चर किया और उसको थोड़ा सा लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो इसने बोला ठीक है मैं मम्मी के साथ बाद में आती हूँ, तो उसने बहुत ज़बरदस्त किया इसके साथ रोकने की कोशिश। तो इट्स ऑटोमेटिकली कम टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मैटर, एंटायर मैटर। तो उसने अपनी मम्मी को बोला और उसके बाद में उन्होंने दीपक शर्मा जी को कांटेक्ट किया। दीपक शर्मा जी आए इसके अंदर मैटर के अंदर, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कि व्हाई यू आर नॉट गिविंग दैट डिपॉजिट एंड ऑल, बट नाउ दे आर नॉट बिहाइंड दैट डिपॉजिट, नॉट बिहाइंड दैट मनी, शी इज ओनली आंसरेबल टू द एंटायर सोसाइटी की इस मेरी मजबूरी का, बुढ़ापे का, मेरे गरीबी होने का और मेरा टेनेंट होने का क्या फ़ायदा उठाया जा रहा है कि मेरी जवान बेटी को वहाँ पे वो रात को बुला रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये मॉलेस्टेशन का पूरा मैटर बनता है, उसको मॉलेस्ट किया गया है, उसके डिग्निटी के ऊपर चैलेंज किया गया है और जहाँ लेडीज़ की डिग्निटी का मॉलेस्टेशन का क्वेश्चन आएगा हम सब खड़े रहेंगे और इसलिए आज हम वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आए हैं। हम कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, हम मकान मालिक को भी बुलाएंगे। वी आर नो वेयर बिहाइंड दैट मनी, वी आर ओनली विद दिस गर्ल। एक केस ऐसा हुआ है जहां पर इंसानियत शर्मसार हो गई है। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग महिला है जिनकी उम्र 70 से 75 साल के करीब है। एक केस ऐसा आया है कि इनका डिपॉजिट का पैसा एक मकान मालिक नहीं दे रहा है, जिसके बदले में वो कुछ ऐसी चीज़ डिमांड कर रहा है जो एक एक महिला के लिए शर्मनाक है, इस देश के लिए शर्मनाक है। महिलाओं के लिए कानून तो बनाए गए हैं लेकिन उनको फॉलो करने का जिम्मेदारी किसी की नहीं है। आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है इसको भी कोई नहीं देख रहा है। हम पुलिस स्टेशन आए हैं क्योंकि इस महिला की फरियाद सुनी जा सके, इनकी बेटी को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है और जहाँ तक ये सवाल है पैसों की, तो बंदा पैसों के बदले उनसे इज्जत मांगता है, ये बहुत शर्मनाक है, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और मेरी पूरी समर्थन मैडम के साथ है और मैं हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की मैडम लीला रंगा के साथ यहाँ पर आया हूँ कि इस मुद्दे को उठाया जा सके कि महिलाओं के साथ जो बदतमीजी की जा रही है और पैसों के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है, बुजुर्ग महिलाओं के साथ में, गरीब लोगों के साथ में जो किया जा रहा है, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और पूरे देश में कोई भी इंसान के खिलाफ अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो आवाज़ उठाए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए बनी है और आज अगर पुलिस इसका मैटर नहीं सुनती है तो हम इस लेवल एक बड़े लेवल पर इस मैटर को लेकर जाएंगे और गुजारिश करना चाहेंगे कि पूरी आवाम हमारा साथ दे ताकि एक बुजुर्ग महिला को इंसाफ मिल सके और ऐसे तमाम लोगों को जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं और जो प्रताड़ना का शिकार लगातार होता आ रहा है उन पर एक रोकथाम की जा सके। जय हिंद जय भारत। देखो मेरे घर में आई ने, मैं उधर रहती थी वर्षों, एक बरस के बाद है ना मेरी तबीयत खराब हुई। मैं उसको बोली जुलाई महीने की 22 तारीख को बोली तो बोलते हाँ ठीक है एक महीने के बाद तुम खाली कर सकते हो। तो मैं एक महीना और रही, एक महीने के बाद वापस आई ना मैं 22 तारीख को गई उसके घर पर। तो वो क्या बोलता है नहीं अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हम पैसा देने वाला नहीं। वापस बोलता है हाँ मैं देंगे। दो दिन करते मेरे को अगस्त महीने की 30 तारीख हो गई, 30 तारीख हो गई तो भी मेरे को पैसा नहीं दिया। मैं बोला अभी क्या करने का, बोलते तुम कुछ भी करो पैसा नहीं देने वाला। अभी हमारे मीडिया को बताइए कि किस तरीके से वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके घर पे क्यों आ रहे हैं वो लोग क्या कहना चाहते हैं? अरे हम लोग को क्या है, मेरी बेटी जवान है। हाँ, अभी मैं अकेली हूँ, मेरे घर में कोई है नहीं, मेरा मर्द तो है नहीं, वो 25 बजे से गुजर गया है, माँ बेटी दूर रहते हैं, अभी उसको मेरे घर पर आने का क्या ज़रूरत है उधर। ठीक है मैडम, आप बताइए कि आपके साथ किस तरीके से वो लोग हैरेसमेंट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है, क्या कहना चाहते हो? वो बोलते तू रात को आ तो मैं तेरे हाथ में पैसा दूंगा, नहीं तो फिर नहीं आएंगे तो नहीं दूंगा, तेरे मम्मी के हाथ में पैसा ही नहीं दूंगा। मतलब कुछ भी हैरेसमेंट हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, और बोलते तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है, समझ में कुछ आ रहा नहीं, तो हम क्या बोलेंगे उसको?